So hey guys, what's up? Welcome back to Chindo CM Center. Okay, channel के नाम से पता चल गया कि आपको इस channel पे क्या मिलने वाला है. Okay, तो video start कर रहा हूँ. Okay, आपके इस channel पे उससे related videos. Okay, मैंने already live channel के video already upload कर दिए. पूरा Facebook OCM का मैंने upload किया हुआ है उधर. आप जाके हर एक video check कर दो playlist के अंदर. First, second, third, fourth chapter ऐसे अपने playlist में डाला हुआ है. Already मैं पहले मैंने video बनाया हुआ है. ओके मैं अब फिर से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ 11 स्टैंडर्ड की. ओके वो वीडियो मेरी क्वालिटी अच्छी अच्छी नहीं थी या फिर टीचिंग में एक्सपीरियंस नहीं अच्छी नहीं थी. ओके अब हमारे पास लाइटिंग कैमरा और सेट हो गया. ओके यहाँ पर आपको अच्छे और भी अच्छे से समझ सकता है. ओके आप वो वीडियो भी प्रेफर कर सकते हो और ज्यादा नॉलेज के लिए. अगर मैंने आपको अलग बताया होगा यहाँ पर एकदम डिटेल में वीडियो बताने वाला हूँ. हर एक चीज यहाँ पर डिटेल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाली है दोस्तों. ओके तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. ओके तो आज इस लाइव सेंटर का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो के जरिए हम इसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. ओके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में चैप्टर का नाम ही यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड अपना बिजनेस. ओके तो फर्स्ट आप सबका वेलकम कर देता हूँ इस कॉमर्स में. क्योंकि टेंथ तक आपने जो कुछ पढ़ा रहेगा आपको बोरिंग लगा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये जो कॉमर्स है ना आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है. इतनी मजेदार चीज है, इतनी सीखने लायक चीज है ना कि हम चुप ही नहीं बैठ सकते. ओके आप टेंथ तक कुछ नहीं पढ़ते, आप इलेवंथ में इतना पढ़ोगे, इतना इंटरेस्ट पढ़ोगे ना आपके पेरेंट्स सोचेंगे अल्लाह क्या हो गया. ओके तो ये कुछ रिएक्शन होने वाला दोस्तों. ओके तो स्टार्ट कर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से. ओके फर्स्ट आ जाती है हमारी ह्यूमन एक्टिविटी कि हम इंसान क्या काम करता है. ओके उसके लिए दो टाइप आ जाते हैं. एक तो आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक का मतलब तो आपने टेंथ तक मे भी नहीं पढ़ा होगा या फिर कुछ बच्चों को मालूम होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है. तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा. इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ भी हम काम करते हैं, एक्टिविटी मतलब काम करना. ओके इकोनॉमिक मतलब पैसा का लेन देन, पैसा. इकोनॉमिक मतलब पैसा. कोई पूछेगा भाई इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, पैसा होता है. सीधा बोलना पैसा होता है. ओके तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि कुछ भी अगर हम काम कर रहे हैं उसके बाद में हमें कुछ पैसे की लेन देन करनी पड़ रही है, उसका मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इसका उल्टा, जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं मतलब बिना पैसे के लिए कर रहे हैं उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके तो ये आपका चैप्टर का स्टार्टिंग है, मींस आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन. इसके जरिए ही आप पूरे इलेवेंथ का जो सिस्टम है वो पढ़ने वाले. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. ऐसा वो जो काम जो आप कभी नहीं करते, मींस करते हो लेकिन पैसों के लिए नहीं करते हो. फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल में गेम खेलते हो 4 घंटा 5 घंटा 3-4 घंटा आप गेम खेलते हो कंटिन्यू, फिर ब्रेक ब्रेक कर गेम खेलते हो दिन भर में. ओके तो उससे आप कुछ पैसे कमाते होगा. ओके हाँ यूट्यूबर्स का वो अलग है, बट आप ऐसे टाइम पास की खेल रहे हो पैसा कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो. काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, पबजी खेल रहे हो, लेकिन नहीं ऐसा नहीं कमा. सेकेंड आपकी मदर, मदर कुक करती है, कपड़े धोती है, जो खाना खाया वो बर्तन धोती है, सब काम करती है, उनका पैसा मिल जाएगा. कोई पे करता है उनको, नहीं करता. ओके आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, बाहर खेलने जाते हो, एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ तो काम कर रहे हो, तो क्या आपको पैसे में जैसे बदलेगा, नहीं मिला. लेकिन जब आप सब्जी लेने जाते हो ना तो 50 में 10 रुपए अंदर करते रहोगे. झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, पैसा अंदर करते रहोगे. 50 रुपए मिलेगा उसमें 10 रुपए अंदर 40 सब्जी लेके आ जाओ, बोलेगा हम ही पैसा लाए सब्जी लेके आए. ओके तो ये आपने कर दी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके एक्टिविटी किया, काम किया, क्या काम किया, सब्जी लेने का काम किया, उसमें 10 रुपए अंदर खींचना ली, तो क्या हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. ऐसे ही ओके जब आप पैसे के लेन देन में कुछ भी एक्टिविटी करते तो उससे कहा जाता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एज अ प्रोफेशन हम देखें तो क्या क्या टाइप में आते हैं वो देख लेंगे. ओके पहले बात इस वीडियो के स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ कि आप पूरे कॉमर्स में पैसा ही पैसा पढ़ने वाले हो, पैसा ही पैसा होगा. ओके तो ऐसे ही आप पैसे पैसे पढ़ने वाले हो तो ओके वीडियो बहुत ही मजेदार होगा और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और जो उसके मस्त मस्त एग्जाम्पल सब मैं वीडियो बनाते रहूंगा. इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे टाइम टू टाइम ऐसे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे. ओके तो स्टार्ट करते इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आपका मेन पार्ट है. ये तो ठीक है एक एग्जाम्पल ये था कि इकोनॉमिक और ज्यादा समझ लेंगे नॉन इकोनॉमिक बनाएगा. अब मेन स्टार्ट होता है बस पैसा कहाँ कहाँ से आते हैं. बिजनेस जो लोग बिजनेस करते हैं, अगर आपके फादर है आपके आपके घर में कोई बिजनेस मैन रहेगा ओके वे पैसा कमाते हैं, बिजनेस में पैसा कमाते हैं. ओके प्रोफेशन कौन होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, सीए, मैनेजर, जो बड़े बड़े कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, एमबीए स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे प्रोफेशन होते हैं जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं. आपके टीचर्स खुद तो एक प्रोफेशन लाइन में आते हैं. ओके वैसे ही प्रोफेशन होता है वो भी पैसा कमाते हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर आता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मीन रोजगारी.
ओके आपके फादर ऑफिस में आते रहेंगे, आपके भाई बहन ऑफिस में आते रहेंगे, ओके ये क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय का वर्क कर रहे हैं, यहाँ से पैसा कमा दे, ये भी सोर्स बन जाता है एम्प्लॉयमेंट का, ये सारे सोर्स बन जाते हैं एम्प्लॉयमेंट का. ओके बिजनेस तो आपको बताया ऑलरेडी, बिजनेस में क्या होती है, लेन देन होती रहती है, उनका चलता रहता है. ओके बिजनेस में क्या होता है, एक मार्केट रहता है, मार्केट के अंदर बायर होता है सेलर होता है, जब बायर सेलर की लेन देन होती है, डील होती है, ओके बायर सेलर से कुछ मांगेगा, सेलर उसको देगा, फिर सेलर उनसे उस सामान का पैसा लेगा, तो ये हो गया बिजनेस, हो गया बिजनेस. ओके ओके बिजनेस के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, आप नॉर्मल लैंग्वेज समझ लो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बिजनेस. बिजनेस का दूसरा नाम होता है ट्रेड, याद रखिएगा ट्रेड, आपका आगे आने वाला है ट्रेड, ट्रेड ट्रेड ट्रेड. ओके ट्रेड आपको बड़ी याद रखना है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस का, बिजनेस का मतलब क्या होता है, ट्रेड होता है, और बहुत सारे ऐसे नाम है. और दूसरा मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट को बिजनेस बोलते हैं. कोई आपको पूछे तो कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, बता देना फटाफट उठ के बताना भाई क्या बिजनेस होता है, कौन बताया, ओसीएम सेंटर ने बताया. ओके कॉर्पोरेट का मतलब बिजनेस होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ट्रेड मतलब बिजनेस होता है. ओके कंपनी को बता दो, कंपनी मतलब बिजनेस होता है, फर्म मीन्स बिजनेस होता है. ओके ऐसे बहुत सारे बिजनेस के नाम है, गूगल पे सर्च करके थक जाओगे. ओके लेकिन हमें यहाँ पर मेन ट्रेड दिखेगा, कॉर्पोरेट दिखेगा, फर्म दिखेगा, पार्टनरशिप फर्म, ऐसा जो सुबह सब इसमें बिजनेस में दिखने वाले है. ओके वेल उसके बाद प्रोफेशन, प्रोफेशन मैंने पहले बता दिया, सीए हो गए, कॉमर्स के हिसाब से प्रोफेशन में सीए आते हैं, देन जो बड़े बड़े लेवल पे सीईओ मैनेजर्स होते हैं, जो कॉमर्स स्ट्रीम से मैनेजमेंट करके आते हैं, एमबीए एमबीए करते हैं, अच्छे खासे मैनेजर बन जाते हैं, वे प्रोफेशनल लाइन में आ जाते हैं. ओके देन उसके बाद जो कॉमर्स करके, कॉमर्स का बता रहा हूँ, पहले कॉमर्स करके जो एमएडी करके और आगे प्रोफेसर की पीएचडी करते, वो लोग प्रोफेसर बन के प्रोफेशन में चले जाते, वे प्रोफेशनल लाइन हो गए. ओके उसके बाद साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, ओके ऐसे जितने भी साइंस के स्ट्रीम में जो बड़े बड़े हाई लेवल के थे, वो सब प्रोफेशन होते हैं. प्रोफेसर पैसा कमा रहे, डॉक्टर बन गया, क्लिनिक खोल लिया, पैसा आ रहा है, पेशेंट आ रहे, इलाज करवा रहे, पैसा दे रहे, ये होगा प्रोफेशन. ये कमाई किसकी कमाई है, प्रोफेशन की कमाई है. मेडिकल केमिस्ट बन गया, केमिस्ट्री पढ़ेगी, मेडिकल खोल लिया, पैसा कमाया, तो ये सारा इसमें होता है प्रोफेशन में, सिंपल है. और आगे इस बार में डिटेल में जाने गया, बिजनेस के फ्यूचर, प्रोफेशन के फ्यूचर, एम्प्लॉयमेंट के फ्यूचर, अच्छे से हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे. ओके डोंट वरी, प्रोफेशन, प्रोफेशन हो गया. मैं अब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट सिंपल है. ओके एम्प्लॉयमेंट के दो चीज आती है, ध्यान में रखो, एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो चीज आती है, क्या आती है, एक आता है एम्प्लॉय, दूसरा आता है एम्प्लॉयर. अब एम्प्लॉयर कौन होता है भाई, एम्प्लॉयर कौन होता है जरा बताइए, तो एम्प्लॉय वो होता है जो बॉस की डांट सुनता है. ओके और एम्प्लॉयर वो होता है जो डांट सुनाता है, एम्प्लॉय वो होता है जो बॉस की डांट सुनता है, और एम्प्लॉयर वो होता है जो डांट सुनाता है. तो अभी तो पता चल गया होगा कौन क्या होता है, एम्प्लॉयर मीन्स मैनेजर मीन्स बॉस. ओके जिसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है, मतलब जिसके अंदर कोई वर्कर काम कर रहा है, और एम्प्लॉय वो बेचारा होता है जो बॉस के अंडर काम करता है. ओके उसे कहा जाता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय. ओके एम्प्लॉयमेंट में इतने होता है. ओके और आने मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे. ओके तो मेरी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इन तीनों के ऊपर होगी, मैं बिजनेस के फीचर, प्रोफेशन के फीचर्स एंड एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स और उनके मीनिंग के साथ बताऊंगा और डिटेल में. काफी मजेदार वीडियो होगी, जरूर देखिएगा. ओके तो आज का वीडियो इतना, चैनल पर नया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए. ओके थैंक यू.